नेक्स्ट रेशियो आपकी आती है एवरेज कलेक्शन पीरियड. ये वाली जो रेशियो है आपकी डिपेंड करती है डेटर टर्नओवर रेशियो के ऊपर, राइट. क्योंकि देखो वर्ड क्या है यहाँ पे, कलेक्शन. और कलेक्शन आप किससे करोगे, जब आप किसी को माल उधार पर बेचोगे, राइट. तो इस रेशियो में हमें सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना है, राइट. और उसके बाद इस वाली रेशियो में अगर आप एक फॉर्मूला देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ 12 मंथ्स और 365 डेज. तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आइदर आपका मंथ में आएगा या फिर आपका डेज में आएगा, राइट. तो वो आपका डिपेंड करता है कि आप अपने मंथ्स को यूटिलाइज कर रहे हो या फिर आप वाइल कैलकुलेटिंग दिस फॉर्मूला आप डेज ले रहे हो, ठीक है. और बेसिकली इस रेशियो से हमें पता क्या चलता है, ये रेशियो बेसिकली इंडिकेट करती है कि टाइम कितना ले रहे हो आप अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करने में, राइट. मंथ्स में आंसर बताएगा कि कितने मंथ्स आप ले रहे हो. डेज अगर आप आंसर को कैलकुलेट करते हो तो आपको बताता है कि कितने डेज में आप कैलकुलेट कर रहे हो. इस वाली रेशियो में एक चीज आप बताइए मुझे कि अगर मैं आंसर को कैलकुलेट कर रही हूँ, सपोज लाइक मेरा आंसर इस फॉर्मूले से जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ मेरा आंसर आता है 10 मंथ्स, ठीक है. तो राइट, एक क्वेश्चन में मैंने निकाला 10 मंथ और एक क्वेश्चन में मैंने आंसर निकाला 2 मंथ्स. तो आप मुझे बताइए इस रेशियोज के बेसिस पे, जैसे मैंने अभी आपको इसका मीनिंग बताया कि इस रेशियो का मतलब क्या है, कि इट टेल्स अबाउट दैट कि हाउ मच टाइम यू पीपल आर टेकिंग टू कन्वर्ट योर अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, ठीक है. तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरा आंसर 10 मंथ्स में आ रहा है और एक का मेरा आंसर आ रहा है 2 मंथ, तो इसमें से मेरे लिए कौन से वाला बेटर पोजीशन हुआ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. मेरे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आंसर जो है 2 मंथ्स वाला होगा, वो बेटर है. अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन. रीजन ये है बच्चों, इसका रीजन पता है क्या है, कि हम जब अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ 2 मंथ्स लेते हैं, राइट. और अगर मैं कहूं कि पहले वाले क्वेश्चन के आंसर का मतलब क्या है, उसका मतलब ये कि आप अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करने में 10 मंथ्स लेते हो. अगर मैं 10 मंथ्स ले रही हूँ डेटर से पैसा कलेक्ट करने में, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड आ गया. तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अनसेफ है. दैट मीन्स कि वो सही नहीं रहता है बिजनेस के लिए. लंबा टाइम अगर आप अपने कस्टमर को दे रहे हो उससे पैसा रिकवर करने के लिए, और तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं रहता है. तो इस मींस, इसका मतलब ये है कि अगर आपका जब भी कोई आंसर आएगा और उसमें अगर कम मंथ्स का होगा, लाइक सपोज 1 मंथ, 2 मंथ, राइट, 3 मंथ्स, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा. और इसी तरीके से अगर मैं डेज में कैलकुलेट करती हूँ, और अगर मेरे डेज में कैलकुलेट करते वक्त कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है 2 डेज, 3 डेज एज कंपैरिजन टू 365 डेज, तो वो मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात मानी जाएगी, राइट. थैंक यू.